हेलो दोस्तों, जो आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए, एक चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है और एक धनिया ले लिया है, साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच। और ये गैस खोल करके मैंने कढ़ाई में इसको थोड़ा सा भूनने के लिए रख दिया है। और दूसरा सामान मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे और 6 से 7 10 15 20 ही होंगी ये, काली मिर्च डाल देंगे हम। और इसमें डालेंगे, देखिए मैंने इसमें जीरा डाला है, धनिया डाला है, सौंफ, और इसमें मैं सौंफ डाल दूँगी, 1 से 1.5 चम्मच सौंफ है डाल दूँगी। और इसको मसाले को मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी जब तक इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, जब तक मैं इसको भूनूंगी। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और इसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूँगी पीसने के लिए। और जब तक मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसे तेज़ गर्म होने दूंगी और जब तक हम अपना फ्राइड मसाला पीसेंगे। देखिए मसाला मैंने पीस लिया है और जो तेल गर्म कराने करने रखा है उसमें मेरे ये अदरक काटा है 1 बड़ा टुकड़ा मैंने, और एक लहसुन 7-8 चम्मच मैंने ले लिए हैं, वो मैं तेल में डाल दूँगी। ये देखिए अदरक डाल दिया मैंने और ये मैंने लहसुन डाल दिया है थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद। अब मैं इसमें, ये देखिए मैंने प्याज मोटा मोटा काट करके रखा है, मोटी प्याज काट के रखी है, तो प्याज में इसमें डाल दूंगी। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर, मैंने जो मोटे काट के रखे हैं 2 टमाटर मैंने मोटे काट के रखे हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल लूँगी जिससे कि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा डालना है नमक, आधे चम्मच से भी बहुत कम। और नमक का हिसाब आप सब्जी को देखते हुए रखिए। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे ग्राइंडर में, पहले ठंडा करेंगे फिर हमें पीस लेंगे। और देखिए दोस्तों, ये मैंने दूसरा तेल कढ़ाई में ले लिया है और मैंने ये गरम कर लिया है, गरम कर लूँगी मैं इसे अच्छी तरह से। तो देखिए मैंने ये मसाला काट के रख रखा है और इसमें मैंने ये शिमला मिर्च काटी है, इस आकार की काट लिया मैंने सब, और मैंने प्याज भी इसी शेप की सारी निकाल के रख ली है, और 2 हरी मिर्च बीच में से जीरा लगा के 2 हरी मिर्च काट के रखी है। अब ये तेल हमारा गरम हो गया है, अब इस तेल में मैं सबसे पहले अपनी प्याज जो मैंने इस तरह से काट के रखी है वो डालूँगी। देखिए आप चाहे तो आप इसको रिफाइंड में, देसी घी में, इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये सरसों के तेल में बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है, इसमें मैंने सरसों के तेल में बनाया है और इसमें भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम शिमला मिर्च डालेंगे। देखिए इसको सॉफ्ट नहीं होने देंगे हम, थोड़ा हम शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा चढ़ाने के बाद हटा किनारे कर लेंगे क्योंकि हम इनको सॉफ्ट नहीं होने देंगे। बस अभी साइड करके हम इधर की तरफ हम इसको साइड कर लेंगे, इधर हम डाल देंगे थोड़ी हरी मिर्च जो मैंने हरी मिर्च काट के डाली थी, वो हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा तेल हो जाए यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ी सी 1/2 चम्मच हल्दी, और इसमें मैं डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल देंगे हम, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है इसलिए हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्च डालेंगे। तो थोड़ा सा चला देंगे दोनों को और फिर मैं अपने सब मसाले में इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए
और जो मैंने मसाला पीस करके रखा है, ये जो मसाला पीस के रखा है, ये मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा मसाला पीस दिया इसलिए थोड़ा सा हम बचा लेंगे। और अब हम इसको चलाएंगे। देखिए इसमें जो मैंने मसाला पीस करके रखा था वो मसाला मैं डाल दूँगी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वाला मसाला ये मैंने अब इसमें डाल दिया है। और धीमी आंच करके मैं इसको चलाऊंगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई निकाल के रखी है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मलाई ले लीजिए या फिर आप फ्रेश क्रीम जो आती है बाज़ार में वो भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी वो डाल दीजिए। अब देखिए जैसे ये पकने लगा है, अब हम ऐसा करेंगे कि अब इसमें जो मैंने मेन रेसिपी मेन चीज़ जो है उसकी पनीर, वो पनीर मैं इसमें टुकड़े करके रखे हैं मैंने, वो पनीर मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसको धीमी आँच करके थोड़ा सा भूनने देंगे मसाले को भी, और पनीर को भी पकने देंगे थोड़ा सा। और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अभी तक हमने नहीं डाला है, और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा डाला था मैंने टमाटर भूनते टाइम, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिए। और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। थोड़ा चलाएंगे इसको। थोड़ी देर पकने देंगे ऐसी। हाँ तो देखिए दोस्तों, मेरा बन करके ये पनीर एकदम रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना है, मैंने टेस्ट करके देखा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से हरा धनिया। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए दीजिए।